ये हमारे जनपद के थाना कोतवाली देहात का मामला है, जिसमें 5 अगस्त को भिजपुरी निवासी बाबूलाल द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया था कि उसका लड़का मोटरसाइकिल सहित कहीं गायब हो गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर गुमशुदगी अंकित की गई थी। थाना कोतवाली देहात द्वारा जांच की जा रही थी कि 5 तारीख को ये पता चला कि लालगंज थाना क्षेत्र में उसकी मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में पड़ी है। उसको मोटरसाइकिल को ले जा करके थाना दाखिल किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। 5 तारीख को ही मृतक के पिता ने दिनांक 8 तारीख को मृतक के पिता ने एक तहरीर की आशय के दिया कि उसी के गांव के रहने वाले शिवशंकर ने उसके बेटे की हत्या करके उसकी लाश को कहीं छिपा दिया है। पुलिस ने विवेचना प्रारंभ की और मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि वो गुमशुदा व्यक्ति अशोक कुमार को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले गया था, उसको शराब पिलाई और बाद में पत्थर से मार करके हत्या कर दी। हत्या की वजह सर क्या है, क्यों मारा इसने? पूछताछ में अभियुक्त ने ये बताया कि मृतक उसकी पत्नी पर बुरी नज़र रखता था, आए दिन इसको लेकर के बात होती रहती थी, कई बार उसने मना किया, बावजूद उसके जब नहीं माना तो पूर्व योजना के तहत एक प्लानिंग बना करके उसकी जाकर के यहाँ हत्या कर दी। थैंक यू सर।